मैं हिंदी टीचर, मेरा नाम रीता है। आज हम देखेंगे द्विताक्षर में स और स। स स तो इससे क्या शब्द हम कैसे लिखेंगे, तो आपको मैंने इसके पहले भी बताया था बच्चों, जब ये लकीर रेखा खींचा जाता है तो हमें इसे हाफ स समझते हैं। जैसे देखिए पेज पेज नंबर 26 निकालिए आप बच्चों, और हम देखेंगे यहाँ पे कि स, जैसे देखिए स स यहाँ पे बन गया र स, स में ई की मात्रा, सी रस्सी, उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको अ स, स में ई की मात्रा सी, अस्सी, अस्सी का मतलब होता है 80, उसके बाद लस्सी ल स, स में ई की मात्रा सी लस्सी, उसके बाद पी प में ई की मात्रा पी स, स में ऊ की मात्रा सु पिसु, उसके बाद किस्सा क में ई की मात्रा की स, स में आ की मात्रा सा किस्सा स्टोरी, ह में ई की मात्रा ही स, स में आ की मात्रा सा हिस्सा, हिस्सा का मतलब है था किसी से शेयर करना, अपने चीज को किसी से शेयर करना, हिस्सा देना। उस तरह देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है लेखन अभ्यास, आप यहाँ पे लिखने की अभ्यास करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों 80, उसी को देख के यहाँ पे फिर लिखना है 80, फिर लस्सी, यहाँ पे किस्सा हिस्सा, पिस्सू पिस्सू, उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे मैं आपको बोर्ड में लिखाऊंगी और पेज नंबर 26 को कंप्लीट करके लिखना है। यहाँ पे देखिए जैसा क क मक्का, मतलब क और क से क्या वर्ड्स बनेगा उसे आपको यहाँ पे लिखना है, तो मैं ये लिख के बताऊंगी आप उसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए स का यूज हम कैसे करेंगे, फर्स्ट वन आ स, स में ई की मात्रा 80, 80, उसके बाद देखिए लस्सी ल स, स में ई की मात्रा सी लस्सी, उसके बाद देखिए लस्सी, उसके बाद देखिए थर्ड वन किस्सा क में ई की मात्रा की स में आ की मात्रा सा किस्सा, किस्सा का मतलब होता है स्टोरी स्टोरी, उसके बाद फोर्थ वन देखिए हा में ई की मात्रा ही स में आ की मात्रा सा हिस्सा, शेयर करना, अपने चीज को किसी से बांटना, उसे कहते हैं हिस्सा देना। उसके बाद देखिए पेज नंबर यहाँ पे देखिएगा जो लिखा हुआ है वही वर्ड्स को लिखना है, नीचे जो है इनकम्प्लीट वर्ड उसे मैं पूरा करती हूँ, आप देख के यहाँ पे लिखेंगे। जैसे क क में दिया हुआ है मक्का, सेकेंड वन मा क का मक्का, यहाँ पे देखिए बच्चों पढ़िए और पढ़िए और लिखिए, लिखा हुआ है लिखिए, आपको यहाँ पे समझ के पढ़ के लिखना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं लिखाती हूँ फर्स्ट वर्ड मक्का, लिखा हुआ है ऑलरेडी मक्का यहाँ पे, उसके बाद देखिए च च, यहाँ पे लिखना है आपको बच्चा, उसके बाद सेकेंड वन देखिए बच्चों त त गत्ता, यहाँ पे देखिए त त, उसके बाद ग त, त में आ की मात्रा ता गत्ता, उसके बाद देखिए थर्ड वन ल ल उल्लू उल्लू, उसके बाद हम ये ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों, देखिए आप इधर फर्स्ट वन बच्चा, उसके बाद गत्ता उल्लू, उसके बाद है बा बा डिब्बा,
उसके बाद देखिए ये साइड से लिखना है व व व व, इसे हम लिखेंगे अव्वल। अव्वल का मतलब होता है फर्स्ट आना, अव्वल। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है स स, उससे होगा लस्सी, ल स, स में ई की मात्रा सी। उसके बाद क्या है न न न न, तो आपको लिखना है अ न न अन, अ न न अन। उसके बाद देखिए एक बार द द, गद्दा गद्दा। उसके बाद देखिए नाइन्थ वन क्या है यहाँ पे ड ड ड ड, इसे हम लिखेंगे गद्दा गड्ढा या गुड्डा। आप तो कोई भी लिख सकते हो गुड्डा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा च च से बच्चा, त त गत्ता, ल ल ल ल उल्लू। उसके बाद डिब्बा, अव्वल, लस्सी, अ न न अन्न, ग द, त में आ की मात्रा दा, गद्दा, ग में ऊ की मात्रा गु, द ड में आ की मात्रा डा। तो आज हमने देखा ये कि स और स को कैसे लिखा जाता है, और मैंने इस पेज नंबर 26 में यहाँ पे लिखा दिया। ये देख के आप ये वर्ड्स कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये क्या है, रस्सी। ठीक है, ये है रस्सी, किसी चीज को बांधने के काम में आती है ये रस्सी। उसके बाद हमने यहाँ पे दिखाया कि जो भी वर्ड्स ऊपर लिखा हुआ है उसे देख के आप नीचे लिखाएंगे, इसे आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक, धन्यवाद।